और अब देखिए हमारी खास पेशकश शिक्षा का अधिकार। शुक्रिया दिनेश। सहारा प्रणाम, मैं हूँ हर्ष राज। सहारा प्रणाम, मैं हूँ आशना कांडपाल। आज का दिन हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मालूम है क्यों? क्योंकि आज से पढ़ना लिखना हमारा मौलिक अधिकार बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कानून की खासियत क्या है? आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अनुपम परिहार की खास रिपोर्ट। शिक्षा का अधिकार कानून आज से लागू हो गया है। इस कानून के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिल गया है। वैसे तो भारतीय संविधान में शुरू से ही बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात कही गई है, लेकिन अब शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इस कानून में कहा गया है कि दाखिले के लिए बच्चों का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। स्कूल में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर भी रोक लगाई गई है और स्कूल में हर 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर का होना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही टीचर के पास 5 साल में डिग्री होना अनिवार्य किया गया है। खास बात यह है कि हर बच्चे को स्कूल तक लाने के लिए सरकार हर इलाके में एक स्कूल भी खोलेगी। कॉपी किताब से दूर बच्चों को स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी सरकार की है। शिक्षा के अधिकार में जो भी बातें कही गई हैं, वो सभी बच्चों के सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगाती हैं। इस अधिकार से देश और समाज भी आगे बढ़ सकेगा। समय के लिए लखनऊ से अनुपम परिहार। हर बच्चा लिखना पढ़ना चाहता है, लेकिन कई कारणों से वे स्कूल नहीं जा पाते। शिक्षा का मौलिक अधिकार बन जाने से हर बच्चे को फायदा होगा। इस कानून के बारे में बात करने के लिए देश के कोने कोने से हमारे साथ चाइल्ड रिपोर्टर्स होंगे। चलो हर्ष, पहले देखते हैं कि इस कानून के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल क्या कहते हैं। पहली अप्रैल एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन राइट टू एजुकेशन लागू हो रहा है। ये जो रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को एक उच्च स्तर की शिक्षा देना चाहते हैं, ये लंबा भी है और कठिन भी है, लेकिन इसमें हमें आपका योगदान चाहिए। आपका मायने पेरेंट्स का योगदान चाहिए, टीचर्स का योगदान चाहिए, सिविल सोसाइटी का योगदान चाहिए, एनजीओस का योगदान चाहिए, राज्य सरकारों का योगदान चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर है हमारे शिक्षा के दायरे में, अगर मिलकर हम ये सफल कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में हम बच्चों का भविष्य ही नहीं, हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल करेंगे। ये तो थी मंत्री जी की बात। अब चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास जो हमारे साथ लखनऊ और जयपुर से जुड़ रहे हैं। आस्था, ये बताएं कि शिक्षा का अधिकार मिलने से बच्चों को क्या फायदा होगा? वैसे तो सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पर कई बच्चे गरीबी के कारण पढ़ने नहीं जा पाते हैं। शिक्षा का अधिकार पाकर उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और उनका भविष्य भी उज्जवल एवं सुनहरा हो सकेगा। ये तो है फायदे की बात, लेकिन शिक्षा का अधिकार मिलने से बच्चे कितना खुश हैं?